स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे फ्रेंड्स। तो हम आज जा रहे हैं बेसन की पकौड़ियाँ बनाने मेरी फ्रेंड। तो आज हमने इसमें काट लिया है पकौड़ी के लिए, इसमें हमने प्याज काटा है और हरी मिर्च, और देख सकते हैं हमने बारीक ये देखिए आलू काटा है इसमें डाल के। और अभी हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे। अभी इसमें प्याज हरी मिर्च थोड़ी सी हींग डाल दी है इसमें हमने, और हल्का इसमें अभी हम बेसन मिक्स करेंगे। प्याज हमारा पानी छोड़ता है इसलिए बस नमक मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला और बताओ क्या डालो, थोड़ा सा जीरा भी डाल देना। सोडा बोलती है? नहीं वो तो थोड़ी देर इसको हम इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे तो अच्छे से पकौड़ियाँ फूल के आती है हमारी। मैं तो तुरंत ही पानी में मिक्स करके तुरंत ही गैस पे डाल देती हूँ। करारे होते करारे मतलब मैं बहुत ज्यादा करारे तो खाती नहीं ना, नॉर्मल बनाते हैं या घी को बनाना आता है। करारे अच्छे बनते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। हाँ, पानी भी ऐड करूंगी थोड़ा ऐड करना, पानी देखना बिना क्या गिरा है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक जितना आप खाते हैं उतना आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। हाँ बेसन पड़ेगा तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च इसमें 4 कटिंग करके डाली है इसलिए लाल मिर्च पाउडर हल्का सा ही गरम मसाला। वैसे मैं तो गरम मसाला यूज नहीं करती हूँ, क्या नहीं डालते बस पकौड़ी में। मेरी फ्रेंड ने गरम मसाला भी ऐड किया है इसमें, इसमें चाट मसाला भी चाहे तो आप डाल सकते हैं, स्वाद अच्छा आता है। थोड़ा पानी डाल क्योंकि अच्छे से वो हो जाएगा तो उसका रहो। अब नमक पड़ गया ना तो इजी हो रहा है मिक्स करना। कुछ भी जैसे कड़ी वड़ी बनानी हो ना तो पकौड़ियों के लिए, जैसे फिलौरी वाली कड़ी बनाई ना पकौड़ी वाली, तो बेसन थोड़ी देर के लिए पहले ही फेंट के रख दो 5-10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, तो अच्छे से फूल के आती है। और अगर बेसन को जो पकौड़ी के लिए थोड़ा दही भी उसमें डाल दोगे ना तो और अच्छे से फूल जाती है दही वाली। हाँ कड़ी वाली पकौड़ी में हाँ दही और नमक डाल दें ना तो और अच्छे से फूल जाती है। अब तो ठीक है हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। थोड़ा सा उसको अभी वो होने दो, पानी प्याज का छोड़ेगा ना। हाँ छोड़ेगा ना, थोड़ा फिर फूल जाएगी अच्छे से पकौड़ियाँ जब सीखेंगे ना तो मस्त। तो तब तक तेल गर्म होगा तब तक तो हो। हाँ तब तक रख दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पकौड़ियाँ तली जा रही हैं आप देख सकते हैं, और इनको ऐसा गोल्डन ब्राउन हल्का होने तक इनको अच्छे से सेकेंगे, करारी पकौड़ियाँ। और तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ब्राउन पकौड़ियाँ मस्त तल रही हैं। आइए फ्रेंड खाइए आके स्वाद, हम तो खाएंगे अभी। जब तलते हैं तो थोड़ी सी गैस को ना स्लो कर देते हैं क्योंकि फिर वो अच्छे से अंदर तक पक जाती है ना, कच्ची नहीं रहती इसलिए। हमारे फ्रेंड्स कहेंगे कितनी गंदी कढ़ाई है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये घर पे चली गई थी हमारी दोस्त, तो इनके हस्बैंड ने इस पे बनाया होगा कुछ, तो छोले भटूरे बनाए होंगे घर पे तो ऐसी हो गई है। तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, साफ भी हो जाएगी। मैंने इनको ट्रिक बता दी है किससे साफ करनी है। देखिए फ्रेंड्स पकौड़ियाँ बन गई हैं, अभी हम बैठ के खाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं,
और ये देखिए सेक के रखी है, सही है। और ये देखो खा रही है, बोल रही है कैसी बनी है, कैसी बनी पकौड़िया, बोल रही है हट सही बनी है, तो उसको अच्छी लगी है। फ्रेंड्स आप भी ट्राई करिए, एक बार जरूर बनाइएगा बेसन की पकौड़िया। और आज हमारी फ्रेंड ने हमें बुलाया और देखिए पकौड़िया बना के खिला रही हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी हम खाएंगे बैठ के मिलके, तीनों के तीनों बैठ के। फ्रेंड्स मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। राधे राधे। बेटा लाडू मेरा खाएगा, रुको मैं देती हूँ।